नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से देश में आंदोलन जारी रखने वाले किसानों ने हुंकार भरी है। आज किसानों ने भारत बंद करते हुए अलग अलग इलाकों में देशव्यापी चक्का जाम किया। उत्तरी इलाके में कई ट्रेनें प्रभावित हुई। किसान संगठनों का ये भारत बंद कितना सफल रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो लोग निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। तीन कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन को चलते हुए 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए किसान संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को भारत बंद की घोषणा की थी। भारत बंद के दौरान किसान संगठन देशव्यापी चक्का जाम करते दिखाई दिए। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों समेत मेरठ में भी किसान संगठन रात से ही चक्का जाम की तैयारियों में जुट गए। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शिवाय टोल प्लाजा पर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। वहीं टोल प्लाजा पर चक्का जाम को देखते हुए पुलिस भी भारी तादाद में तैनात रही। वहीं कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद के आह्वान पर बागपत में भी रालोद, सपा और कांग्रेस का भारत बंद को समर्थन मिला। किसान भाकियू पदाधिकारी, रालोद नेता नेशनल और स्टेट हाईवे पर करीब एक दर्जन जगहों पर धरना देकर बैठ गए। वहीं सेना के वाहन, स्कूल वाहन, एम्बुलेंस और आपात सेवाओं के वाहनों को आवाजाही की अनुमति किसानों ने प्रदान की, जबकि मेरठ बागपत मार्ग पर प्राइवेट बस सेवा को भी बंद कर दिया गया। बाजार बंद करो, हमारा सहयोग करो, क्योंकि हम जमीना से पड़े हैं बॉर्डर पर और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारा और आपका बड़ा बहुत तो हम दुकानदारों से भी कह रहे हैं, क्योंकि इसका किसान पर ही संद पड़ेगा। इसका व्यापारी पर, कर्मचारी पर, देश में कोई ऐसा छूटा नहीं रहेगा कि क्योंकि हम ही तो उपभोक्ता होंगे और हम ही उत्पादन करता होंगे। हम उत्पादन करके भर जाने को डाऊँ तो सभी उपभोक्ता तो सभी होंगे, सभी वाय खरीदेंगे तो हमारी चीज़ 10 रुपया किलो लेते हैं, 50 रुपया किलो देंगे और उसका पूरे देश पर पड़ेगा। हमारे जो पूरे देश के अंदर जो 1947 से लेकर के 2014 के बीच में श्रम कानून बने थे उनको निरस्त कर दिया गया है और एक स्टेट लॉलेस स्टेट में बदल करके 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी गई हैं। इनको निरस्त कराने के लिए नौजवान रोजगार के सवाल पर और जो छात्र हैं वो बढ़ती हुई फीस और शिक्षा के निजीकरण के सवाल पर इस भारत बंद के साथ हैं, तथा देश की तमाम लोकतांत्रिक ताकतें इस देश के अंदर संविधान, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी आज इस भारत बंद के साथ खड़ी हैं। जो दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर लगातार लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, वो MSP को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो नया बिजली बिल अध्यादेश 2021 आया उसको वापस लिया जाए। वो मांग कर रहे हैं कि कॉरपोरेट के हाथों में जो किसानों की फसल को देने की साजिश चल रही है उसको सरकार बंद करे, जो 3 काले कानून वापस लाई है सरकार उसको वापस ले, और साथ ही जो 4 श्रम कानून में परिवर्तन सरकार कर रही है जिससे मजदूरों का शोषण होगा, जिससे मजदूरी में काम करने के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, उसकी एवज में उनको वो तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वो वेतन नहीं दिया जाएगा, उसके समर्थन में किसान आंदोलन आज भारत बंद का आह्वान किया। इसके अलावा सहारनपुर में भी भारत बंद के दौरान दिल्ली देहरादून हाईवे पर चमारी खेड़ा में टोल प्लाजा पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में सभी लेन को बंद करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इसी तरह नागल में मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद करके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं बिजनौर, नहटोर, चांदपुर, धामपुर, नजीबाबाद, नांगल सोती, मंडावली समेत करीब 45 जगहों पर चक्का जाम दिखाई दिया। सुबह 11 बजे से ही किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिए।
पुलिस यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकालती दिखाई दी। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम किया। जनपद में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे, मेरठ करनाल हाईवे, पानीपत खटीमा राजमार्ग समेत 12 स्थलों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर और धरना देकर चक्का जाम किया। वहीं कुछ कुछ जगहों पर व्यापारियों ने किसानों के बंद के आह्वान का समर्थन नहीं किया। इसी के साथ ही हरियाणा में तमाम किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया, जिसमें सुबह से ही चक्का जाम की पूरी रणनीति को तैयार किया गया। हमें शायद किसी को बंद करने की जरूरत बना कर नहीं पड़ेगी, भाई आप अपनी दुकान बंद कर लो। तो जितने भी दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, और चाहे कोई रेहड़ी वाले है या कुछ भी है, सब इस भारत बंद का हिस्सा बनने के लिए पहले से ही तैयार बैठे। ये लड़ाई किसान की नहीं, लड़ाई सारे उस इंसान की लड़ाई है जिसको पेट लगा हुआ है, जो 2 जून की रोटी खाता है, ये उसकी लड़ाई है। 26 नवंबर को जब ये मोर्चा दिल्ली के बॉर्डरों पे गया, डेड स्टेट का आंदोलन था, पंजाब का और आधा उत्तर हरियाणा का। आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में अपने पैर पसार चुका है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां एसकेएम के नाम से बॉडी नहीं बनी हमारी, जैसे एसकेएम उत्तर प्रदेश, एसकेएम बिहार, एसकेएम मध्य प्रदेश, इस तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर बॉडी बन चुकी है और अपनी अपनी रणनीति तय कर दी गई है। कल मेन हाईवे बंद रहेंगे, रेलवे बंद रहेगी, लोकल रोड जो है, छोटे रोड जो गांव के हैं, उसकी हमने फैसला लेने के लिए स्थानीय लोगों के ऊपर छोड़ी गई है। अगर किसी रोड रोकने से किसी गांव वालों को परेशानी होती, किसी किसान को परेशानी होती है, वो ना रोके, और अगर किसी को परेशानी ना होती तो उसको रोका जाए। भारत बंद का असर दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम में भी दिखाई दिया, जहां गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें दिखाई दी। वहीं किसानों के भारत बंद का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी दिखा। इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाईवे पर जबरन गाड़ियों को रोका। हजारों यात्री हाईवे पर फंसे हुए दिखाई दिए। हाईवे के रास्ते मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही किसान आंदोलन की वजह से ट्रेन सेवा पर भी खासा असर दिखाई दिया। दिल्ली से जुड़ी कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान ए पंजाब सुबह 6:40 पर रद्द हो गई। वहीं नई दिल्ली मोगा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया। पुरानी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस भी रद्द हो गई। साथ ही दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से सुबह 6 तो चली, लेकिन पानीपत स्टेशन पर खड़ी हो गई। इसी के साथ ही नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी और नई दिल्ली कालका शताब्दी भी रद्द करनी पड़ी। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कानून कौन लेकर आया है और किसकी सरकार है, आंदोलन उसी के खिलाफ होगा। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है, अगर 10 साल में भी सुधार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन 10 साल तक इसी प्रकार से जारी रहेगा। आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। लेकिन आपकी औकात नहीं कि आप कानून वापसी ना दो, कानून वापसी भारत सरकार लेगी। आपको वापसी लेना हो तो आप ले लो, नहीं तो आने वाली सरकारें वापसी लेगी। जिनको भारत में राज करना होगा उनको कानून वापसी लेना होगा। वही किसानों को समर्थन सिर्फ किसान संगठनों से ही नहीं मिला, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों ने भी किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। दिल्ली में शहीद भगत सिंह के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। ये दुख की बात है कि उनके जन्म दिवस के ऊपर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। 1 साल हो गया लगभग किसानों को अपनी मांगों के को मनवाने के लिए। ये तो आज़ाद भारत है,
आज़ाद भारत में भी अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी। उनकी जितनी भी मांगे हैं सब जायज़ हैं, शुरू से हम उनकी मांगों के पक्ष में रहे हैं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने ताकि किसान अपने अपने घर जाएं और अपना काम पे लगें। इसके अलावा गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर से भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जहां किसानों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेता अनिल चौधरी को किसानों ने प्रदर्शन करने से मना कर दिया। किसानों का कहना था कि ये चक्का जाम किसानों का सरकार के खिलाफ है, ऐसे में इस पूरे आंदोलन को सियासी रंग ना दिया जाए। हम लोगों ने उन्हें बोला है, उनसे रिक्वेस्ट करी है, आप आए हैं बंद के दौरान, आपने हमें सहयोग कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। लेकिन ये हमारा अराजनीतिक आंदोलन है, अराजनीतिक मंच है। हम लोगों ने पहले भी इस चीज की घोषणा करी थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पे नहीं आने दिया जाएगा, तो हम लोगों ने इनसे यही सिर्फ रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आगे या पीछे आप अपना आंदोलन करिए। आप लोगों ने हमें हमारे किसानों के लिए जो भारत बंद में आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए धन्यवाद है। वहीं जिस तरह से किसान आंदोलन कुछ जगहों पर फीका तो कुछ जगहों पर संघर्ष भरा दिखाई दिया, उससे तो एक ही बात साफ है कि चक्का जाम ने सरकार पर असर छोड़ा हो या चाहे ना हो, इस पूरे चक्का जाम में जनता को ही नुकसान हुआ है। सड़कें जाम होने से लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें आई। वहीं जिस तरह से यह आंदोलन दिन पर दिन उग्र होता जा रहा है उससे किसानों के मसले में नतीजे की राह धुंधली ही दिखाई दे रही है। ना तो सरकार मानने को तैयार है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में आज हुए आंदोलन के बाद अब किसानों के आगे क्या कुछ रणनीति रहती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।